हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या खास है, क्या सीखने वाले हैं, आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर मार्क्स लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट के नाम भी लिखे हुए हैं और इसमें हमें क्या करना है, हमें टोटल करना है। जैसे सपोज कीजिए ये जो मार्क्स है कंप्यूटर के, अभी अलग अलग स्टूडेंट्स के भी हो सकते हैं, और यहाँ पर इसका टोटल आए कंप्यूटर का, यहाँ पर इंग्लिश का टोटल आए, यहाँ पर साइंस का टोटल आए, यहाँ पे मैथ्स का टोटल आए। करना तो बहुत आसान है, तो हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू सम का। ये अप्लाई किया हमने और यहाँ से आप ड्रैग करवा दीजिए इसको। जैसे ही आप ड्रैग करवाते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे सम होके आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, हम इसे ड्रैग नहीं करवाना चाहते, हम ड्रैग को अवॉइड करना चाहते हैं। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कलर लगा देता हूं, पर्टिकुलर कलर, लाइक ये कलर ठीक रहेगा, येलो, ठीक है। तो यहां पर एक बैकग्राउंड पे भी कलर लगा दिया। तो अभी हमें शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी चाहिए आफ्टर सेलेक्टिंग, तो देखिए इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, जहां तक हमारा रिजल्ट लाना है वहां तक आप डेटा सेलेक्ट करके, और यहां पर आपको प्रेस करना है क्या, कंट्रोल के साथ आर। जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो इन सब में और ये सारी वैल्यूज जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टोटल होकर आ जाएंगी। ये बड़ा आसान तरीका है और ये बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं एक बार और आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर आपने ये किया, फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो जाएगी। आपको करना क्या है, अब आपने एक बार सम कर लिया तो आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आप कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। देखिए ये पूरा फिल होके आ गया। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।